आप सबका स्वागत है फिर से एक बार गैवी फैनो चैनल पे। और आज यहाँ पे हम एक बात करने वाले हैं चेंज की। बहुत टाइम हो गया, लगभग एक साल हो गया मेरे पास ये DSLR है जो कि एक प्रोफेशनल कैमरा है। मेरे पास कैनन का 80D मॉडल है जिसको मैं यूज करता हूँ वीडियो शूट करने के लिए या फिर व्लॉगिंग बनाने के लिए या फिर जो आप ये वीडियो देख रहे हो या आप देख रहे हो कैनन के 80D पे जो कि लेंस यूज कर रहा हूँ मैं इसके साथ, वो है 18-55mm का जो कि किट लेंस है जो कि कैनन के कैमरे के साथ ही आता है। लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने बोला कि यार तेरे पास इतना महंगा कैमरा है उसके बावजूद भी जो मेरी वीडियोज है वो इतनी प्रोफेशनल नहीं आती। और प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो वो तब आती है जब लाइट की क्वालिटी अच्छी हो, जब पीछे आपका ब्लर इफेक्ट हो, मतलब जब तक सारी चीजें होना तो मजा नहीं आता है। तो फिलहाल जो आप वीडियो देख रहे हो ये देख रहे हो आप मेरे पुराने सेटअप पे, मतलब कि कैनन के 80D कैमरे के साथ और यहाँ पे 18-55 लेंस के साथ। लेकिन अब जो है अब आप देखने वाले हो कुछ नया चेंज, और वो चेंज है दोस्तों यहाँ पे अभी भी दूर से मेरे ख्याल से आपको नहीं दिख रहा होगा कि इस डब्बे के अंदर क्या है, लेकिन यहाँ पे ये डब्बा मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्स करना चाहूंगा और फिर आपको बताना चाहूंगा कि इसके थ्रू ये जो डब्बा है ये यहाँ पे क्या क्या चेंजेस ला सकता है, ये जो कार्टन बॉक्स है, ये जो ब्राउन बॉक्स है, इसके अंदर क्या निकलता है। ओह, तो सबसे पहले निकलते हैं आपके पटाखे। ओके, लेट्स सेलिब्रेट। आवाज आई, एक आई। तो मुद्दे की चीज जो है वो है इसके अंदर। तो दोस्तों ये है यहाँ पे कैनन की तरफ से नया लेंस जो कि मैं यूज करने वाला हूँ अपनी आने वाली वीडियोस में। तो ये है दोस्तों कैनन का EF50mm F1.8 STM लेंस, और इसको मैंने यूज किया और मैंने ट्राई किया और फिर मुझे पता चला कि जो किट लेंस है जो यहाँ पे सामने लगा हुआ है और जो ये प्राइम लेंस है, इन दोनों में अगर हम क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों वो अपनी क्राइटेरियाज को मीट करता है, लेकिन आपको प्रोफेशनल वीडियो चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिटी चाहिए, तो फिर भाई ये तो चाहिए चाहिए आपको। तो ये खोला, ये खोला, ये खोला, और ये देखिए अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, इसको रखते हैं साइड में। और ये रहा दोस्तों यहाँ पे लेंस, देख सकते हो छोटा सा है। तो सबसे खास बात क्या है इसकी कि इसका जो साइज है वो काफी छोटा है, तो इसलिए आप कैरी कर सकते हो, जहां भी जाना चाहते हो आप साथ में लेके जा सकते हो। और अगर आपको ब्लर इफेक्ट चाहिए या फिर जहां पे ऐसी कंडीशन में शूट करना है जहां पे जो लाइट की एफिशिएंसी है वो काफी कम है, वहां पे मस्ट से ये कैमरा के लेंस आपके पास होना चाहिए अगर आप कैनन का DSLR यूज कर रहे हो तो। सबसे बजट रेंज में, सबसे कम रेंज में, लगभग 8,000-9,000 के बीच में आपको ये लेंस मिल जाएगा। तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हो ये पुराना लेंस है, और अब जो आप वीडियो देखोगे सेम डिस्टेंस पे वो होगा नया लेंस। तो कैसा है दोस्तों, है ना बिल्कुल जादू वाला इफेक्ट। तो जो पुरानी वीडियो देख रहे थे दोस्तों वो था इस पुराने लेंस का जो कि था मेरा 18-55 का लेंस जो कि किट लेंस है, और अभी जो वीडियो देख रहे हो वो है यहाँ पे मेरे प्राइम लेंस का जो कि मैंने अभी नया परचेस किया है। और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ सेम कंडीशन में है, मतलब कि सेम लाइट से, उसी तरीके से उसी जगह पे बैठा हूँ, ट्राइपॉड भी सेम जगह पे रखा हुआ है, मेरी चेयर भी सेम जगह पे रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप इफेक्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे दो चीजें आपने नोटिस करी होगी, पहला कि यहाँ पे जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफी ऑसम हो गई होगी पहले से, और यहाँ पे जो डेप्थ इफेक्ट है, डेप्थ कंट्रोल है, वो भी काफी एफिशिएंट है। इसके साथ ही जो ब्लर इफेक्ट है वो काफी अच्छा आ रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो पहले इतना ब्लर इफेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो पीछे जो मेरा बैकग्राउंड है वो यहाँ पे बिल्कुल ब्लर इफेक्ट के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी चीज देख रहे हो वो एक छोटा सा डीमेरिट है, वो यहाँ पे ये है कि मैं सेम डिस्टेंस पर बैठा हूँ, मतलब कि जो पहले वाला लेंस था उसी डिस्टेंस पे मैं अभी भी बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जूम आउट हो गया हूँ मैं। ये जो लेंस है इसमें जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, तो यहाँ पे आपको खुद को एडजस्ट करना होता है, मतलब कैमरे का जो डिस्टेंस है और आपका डिस्टेंस और आपके पीछे जो डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट, बैकग्राउंड और कैमरा, इन तीनों का डिस्टेंस आपको खुद मेजर करना होगा और इनको एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली काम इसी तरीके से करता है, यहाँ पे जो अपर्चर होता है इसका काफी ज्यादा ओपन होता है जिसकी वजह से लाइट बहुत ज्यादा एंटर करती है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो डेप्थ कंट्रोल है या जो पिक्चर की क्वालिटी है, जो वीडियो की क्वालिटी है, वो काफी ऑसम हो जाती है। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस लेंस का दोस्तों वो ये है कि ये लो लाइट परफॉर्मेंस इस लेंस की काफी बेहतरीन होती है। अब लो लाइट की बात करें तो देखिए यहाँ पे एनएफ लाइट है, मतलब दिन का टाइम है, सामने मेरे लाइट है, पीछे भी मेरे लाइट है, साइड में भी लाइट है, लेकिन अगर मैं बात करूँ रात की, मतलब मेरे सारे कंडीशन को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ एक रात के कंडीशन में, तब देखते हैं कि ये वीडियो क्लैरिटी कैसी रहती है। तो आप मुझे दो मिनट, मैं यहाँ पे आता हूँ अंधेरा करके।
तो भाई ये हो गई है बिल्कुल घर के अंदर रात, और मैंने अपने सेटअप में जो एनवायरमेंट क्रिएट किया है वो पूरा रात का करके यहाँ पे कहीं से भी कोई भी लाइट नहीं आ रही है, हल्की फुल्की कोने कोने से निकल के आ रही है, अब उसका कुछ कर नहीं सकते हम। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जरा मैंने सारी लाइटें बंद कर दी तब भी यहाँ पे जो वीडियो की क्लैरिटी है वो ऑटोमेटिक इनहेंस हो गई, और यहाँ पे कोई भी आपको नॉइज नहीं दिख रहा होगा, कोई भी आपको यहाँ पे कमी नहीं दिख रही होगी लाइटिंग वाइटिंग में। तो ये जो लेंस है ये खुद से लाइट इतना इनहेंस कर देता है कि आपको एक्स्ट्रा लाइट जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। तो ये सबसे लेंस का, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये प्यारा सा लेंस पसंद आया होगा, आगे की सारी वीडियोस भी आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे फिर नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।